अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की जो सी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, उसमें मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा कि किस तरह आप ओरिजिनल और फेक मैगज़ीन की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इस्पेशली मेरे उन भाइयों के लिए जिनको इन चीज़ों की बिल्कुल पहचान नहीं है और वो फर्स्ट टाइम जाते हैं किसी मैगज़ीन को ख़रीदने के लिए या उसको लेने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये। ठीक है, आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को मैगज़ीनों की छोटी सी प्रीव्यू करवा देता हूं, उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसकी प्रीव्यू आप देख लीजिए। और ये है फेक मैगज़ीन। ठीक है, ठीक है, तो अब चलते हैं वीडियो की जानिब। ठीक है, तो मेरे वो भाई जिनको इन चीज़ों की बिल्कुल पहचान नहीं है, ठीक है, तो उनको मैं शॉर्टकट तरीके से बता देता हूं कि वो किस तरीके से इसकी पहचान कर सकते हैं। मतलब उनके साथ अगर कोई कारीगर वगैरह ना हो या उनका कोई ऐसा दोस्त जिनको इन चीज़ों की मालूमात हो वो भी उनके साथ ना हो, तो वो ख़ुद ही अपने आप को बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं और इसकी परचेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैगज़ीनों के हवाले से मैं अगर बताता चलूँ तो सबसे पहले मैं ओरिजिनल मैगज़ीनों से स्टार्ट करना चाहूँगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं फेक की जानिब। तो सबसे पहले ओरिजिनल मैगज़ीन, ये दोनों मैगज़ीन आप देख सकते हैं, ये दोनों ही बिल्कुल ओरिजिनल मैगज़ीन है चाइनीज़। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने इनको खोला हुआ है ताकि आपको हर एक चीज़ की वाज़े इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले बढ़ते हैं इसकी केसिंग की जानिब। ठीक है, तो केसिंग के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वो भाई जिनको अगर लोहे की पहचान ना हो, ठीक है, तो सिंपली उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप इसकी जो है तो फिनिशिंग चेक कर लीजिए। ठीक है, लोहे की फिनिशिंग चेक कर लीजिए। ठीक है, इसके अंदर ये जो से जोड़ हैं, ठीक है, जहाँ पे लोहा हमारे साथ लोहे के साथ मिला हुआ होता है, इसके बीच आप गैप चेक कर लीजिए कि इसके बीच कोई गैप तो नहीं। ठीक है, अगर इसके बीच कोई गैप है तो आप उसको बाई मत कीजिएगा। ठीक है, जैसा कि ये ओरिजिनल मैगज़ीन है, इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके जोड़ों को बहुत ही साफ़ तरीके से एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई फासला नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप इसकी ऊपर वाली फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये जोड़ चेक कर सकते हैं, इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई वाज़िया गैप नहीं है। ठीक है, बिल्कुल क्लोज पैक है एक दूसरे के साथ। और इसके कट्स वगैरह चेक कर लीजिए। ठीक है, इसके कट्स की फिनिशिंग चेक कर लीजिए। ठीक है, दूसरी बात ये कि इसके ऊपर आपने जंग को देखना है कि किसी किस्म का जंग ना हो। तीसरी बात ये कि बाज़ मैगज़ीन ऐसे होते हैं जिनके ऊपर या जिनके दरमियान या जिनके बीच में जंग की वजह से छोटे छोटे सुराख बने हुए होते हैं। ठीक है, तो आपने वो स्पेशली देखने हैं कि इसके अंदर कोई जंग वगैरह ना हो। ठीक है, जैसा कि इस मैगज़ीन में आप देख सकते हैं बिल्कुल ही साफ़ कंडीशन है अंदर बाहर। ठीक है, किसी किस्म का कोई जंग नहीं लगा हुआ, किसी किस्म का कोई जंग के सुराख नहीं है। ठीक है, इसके फीड लिप्स भी आप देख सकते हैं, अंदर से साफ़ और किसी किस्म का कोई जंग वगैरह नहीं है, फिनिशिंग साफ़ है। ठीक है, तो ये हो गई केसिंग के हवाले से बात। अब चलते हैं फॉलोअर की जानिब। फॉलोअर को आप देख लीजिए। ठीक है, फॉलोअर की फिनिशिंग और सफाई आपने देखनी है। ठीक है, एक बात, फॉलोअर की फिनिशिंग और सफाई आपने लोगों ने देखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी लोहे वाली जगह को देखना है जहां पर ये एक दूसरे के साथ मिला हुआ होता है। ठीक है, तो इसके बीच में किसी किस्म का कोई गैप ना हो। ठीक है, अंदर से देख लीजिए किसी किस्म की कोई जंग की वजह से सुराख ना हो। ठीक है, फ्रेश हो, जोड़ सही हो, कंडीशन साफ हो, जिस तरह के इसकी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई फॉलोअर के हवाले से बात। और ये बेस प्लेट है जो हम आखिर में इंस्टॉल करते हैं, ये बस बिल्कुल सिंपल है, इसमें सिर्फ आपने सफाई को चेक करना है। ठीक है, इसके ये रेल सिस्टम जो नज़र आ रहे हैं ये बारीक, ये वाले,
इसको आपने देखना है कि ये सही सलामत हो, ठीक है, टेढ़े वगैरह इस तरह की कोई चीज़ ना हो, ठीक है, मुड़े हुए ना हो, ठीक। तो ये थी केसिंग और लोहे के हवाले से बात। अब चलते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की जान, जो है, जो चीज़ है स्प्रिंग, ठीक है। तो स्प्रिंग की पहचान आप लोगों ने कैसे करनी है? स्प्रिंग की पहचान के लिए आपको सबसे पहले इन तीन चार बातों का ख्याल रखना होगा, ठीक है। वो ये कि सबसे पहले आपने स्प्रिंग को लोकली देख लेना है, ऊपर से नीचे तक, ठीक है। इसमें आपने ऑब्ज़र्व करना है कि स्प्रिंग के ऊपर किसी किस्म का जंग ना हो, एक बात। दूसरी बात, स्प्रिंग की फिनिशिंग और क्वालिटी खूबसूरत हो, दूसरी बात। तीसरी सबसे अहम बात ये कि आपने स्प्रिंग के अंदर इलास्टिसिटी चेक करनी है। इसे इलास्टिसिटी का मतलब है इसके अंदर लचक चेक करनी है। देखें कितनी ज़बरदस्त लचक है इसके अंदर, काफ़ी नरम और काफ़ी ख़ूबसूरत लचक है, ठीक है। और चौथी सबसे अहम बात ये कि आपने स्प्रिंग को इस पोजीशन में रख देना है, ठीक है, इस पोजीशन में रख देना है। ये आप देख सकते हैं, ये बेस के ऊपर ये मुड़ा हुआ है, ठीक है, ये ओ शेप, ये ओ शेप्स के ऊपर ये जो सा बन नज़र आ रहा है, इससे आपने स्टार्ट ले लेना है, ठीक है, काउंटिंग शुरू कर देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। देख लिया भाइयों आपने, ये 22 बंदों पर मुश्तमिल स्प्रिंग है, ठीक है। तो ये फुल ओरिजिनल स्प्रिंग है। ओरिजिनल स्प्रिंग के हवाले से मैं बता दूँ तो ओरिजिनल स्प्रिंग जो सा है AK का 30 राउंड वाले मैगजीन का, उसके अंदर बंद हमारे पास 22 बंद होते हैं, ठीक है। 22 बंद से ज़्यादा और कम हो तो वो आपने बिल्कुल नहीं ख़रीदना, क्योंकि वो फेक होगा, ठीक है। ओरिजिनल स्प्रिंग अगर आप 30 वाले मैगज़ीन चेक कर ले, चाइनीज़ चेक कर ले, रशियन चेक कर ले, जर्मन चेक कर ले, एक मैगज़ीन खोल ले, दो खोल ले, 100 खोल ले या 1000 मैगज़ीन खोल ले, तो उसकी स्पेसिफ़िकेशन वो होगी जो मैंने आपको इसकी बताई, ठीक है। यह 22 बंदों पर मुश्तमिल स्प्रिंग है, तो ये फुल ओरिजिनल कंडीशन है इसकी, ठीक है। इसको हम साइड पर कर लेते हैं। अब ये दूसरा चाइनीज़ मैगज़ीन आप देख सकते हैं, इसकी लोहे की सफ़ाई को देखना है, ठीक है। इसमें मौजूद इन जोड़ों को देखना है कि इसके बीच में किसी किस्म का कोई गैप, कोई फासला ना हो, ठीक है, बिल्कुल क्लोजली एक दूसरे के साथ टच हो, ठीक है। इसकी फीड लिप्स आपने चेक करनी है, ये वाली, कि ये मुड़ी हुई ना हो, टेढ़ी ना हो, इसके ऊपर किसी किस्म का जंग ना हो, इसके बीच में किसी किस्म का जंग ना हो, ठीक है। इसकी फिनिशिंग और क्वालिटी अच्छी हो, ज़बरदस्त हो, ठीक है। ये तीलो है की हवाले से बात, और वही स्पेसिफिकेशन इसकी भी है, A to Z जिस तरह इस वाले की है वही इसकी भी है, ठीक है। आपने फॉलोअर में सिर्फ सफाई को देखना है, इसकी फिनिशिंग को देखना है, और इसके बीच में जोड़ों के बीच में किसी किस्म का कोई फासला ना हो, ठीक है, अंदर से जंग ना हो, जंग की वजह से इसमें कोई से किसी भी किस्म के सुराख ना हो, ठीक है। और इस प्लेट में आपने देखना है कि इसके ये जो रेल हैं ये मुड़े हुए ना हो, ठीक है, ये वाले, ये मुड़े हुए ना हो, टेढ़े ना हो, बस इसमें और इतनी ख़ास कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। और स्प्रिंग ये इसकी भी आप काउंटिंग देख सकते हैं, इस वाली जगह से आपने शुरू करना है, ये वाला, ये ओ पोजीशन है, इससे ऊपर ये जो जो सा बंद है इससे आपने शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, इसमें भी 22 बंद हैं, तो ये भी फुल ओरिजिनल अपनी हालत में बरकरार है, ठीक है। स्प्रिंग के ऊपर जंग ना हो, स्प्रिंग दिखने में खूबसूरत हो, इसकी इलास्टिसिटी नरम हो, बरकरार हो, ठीक है, और इसके अंदर बंद 22 बंद हो, तो वो आपने ख़रीदना है। वो ओरिजिनल मैगज़ीन होता है, वो ओरिजिनल स्प्रिंग होता है। तो इन दोनों को मैं साइड पे कर देता हूँ, ये दोनों कम्प्लीटली अपने कंडीशन में है, ओरिजिनल है। अब चलते हैं फेक की जानिब। ये मैगज़ीन आप देख सकते हैं, ये फेक मैगज़ीन है, कम्प्लीटली फेक मैगज़ीन है। ये US मैगज़ीन की कापी हमारे पास, ये पॉलीमर है, प्लास्टिक है, ठीक है।
इसकी स्प्रिंग के हवाले से अगर मैं बताता चलूँ तो स्प्रिंग की कंडीशन बिल्कुल साफ़ है, ठीक है। जैसा कि सभी लोकल चीज़ों की कंडीशन आप देख सकते हैं, ये लोग इनके ऊपर ख्वारी करते हैं, मेहनत करते हैं कि उनको हम साफ़ बनाएं, अच्छा बनाएं, ताकि सामने वाला इस पे धोखा खा जाए। लेकिन अभी मैं आपको इसकी असलियत बताता हूँ, ठीक है। तो ये है लोकल स्प्रिंग, फेक स्प्रिंग, ठीक है। सफ़ाई तो ख़ूबसूरत है इसकी, लेकिन इसमें आपने किन चीज़ों को नोट करना है। सबसे पहले इसमें आपने नोट करना है कि इसकी आप सबसे पहले इलास्टिसिटी देख लीजिए, ये काफ़ी सख्त है, ठीक है। इसकी इलास्टिसिटी उतनी नहीं है, देख सकते हैं आप, ये काफ़ी सख्त है। और मैं जब इसको नीचे पुल करता हूँ तो मेरी उंगलियों पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो ये है इसकी सबसे बड़ी पहचान, ठीक है, कि ये सख्त होगा। इसकी मटेरियल थोड़ा सा मोटा मोटा होगा उसकी निस्बत, ठीक है। इसकी इलास्टिसिटी सख्त होगी, ठीक है। और इसकी अगर आप काउंटिंग शुरू कर दें, ठीक है, इसकी काउंटिंग अगर आप शुरू कर दें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 देख सकते हैं आप, इसमें 16 बंद हैं, ठीक है। 16 बंदों पर मुश्तमिल ये फेक मैगज़ीन का स्प्रिंग है हमारे पास, ठीक है। तो आपने फ़र्क वाजिया देख लिया कि इसमें बंद कम है, इसमें इलास्टिसिटी बहुत कम है, सख्त है, ठीक है। ये ऑल लोकल है, ठीक है, और फेक है, देसी है, नकली है, ठीक है। और ये वाले जो से दो हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल है। तो आपको इस फेक के दरमियान, ठीक है, और इस ओरिजिनल मैगज़ीनों के दरमियान वाजिया फ़र्क पता चला, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आपको दे सकूं, ठीक है, सही इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने में आप लोगों के साथ बहुत खुशी महसूस हुई है, ठीक है, क्योंकि बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं जिनको इनके हवाले से किसी किस्म की भी कोई मालूमात नहीं है। तो ये वीडियो उन भाइयों के लिए थी मेरे पास, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने बड़ों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और जाते जाते पाकिस्तान ज़िंदाबाद।